उससे उससे पहले हम लोगों ने व्यवस्थित रूप से जब महिलाएं तकलीफ में थी बल्होत्रा में, जब एक नारी शक्ति सड़क पे आई तो इनकी इज्जत तो वैसे ही चली गई। जब आप महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकते, महिलाओं को इज्जत नहीं दे सकते, महिलाओं को और आम जन को पीने के लिए पानी नहीं दे सकते तो जिले का क्या करेंगे। हमें जिले से पहले पीने का पानी चाहिए और बल्होत्रा के टोटल वार्ड में पीने का पानी नहीं है। और कल हमने व्यवस्थित रूप से यहाँ के स्थानीय जो वार्डों की महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ मिलकर आंदोलन किया था। एसडीएम कार्यालय में गए, वहाँ जे एन एक्शन सब आके बात की और हाथों हाथ 2 घंटे में पानी शुरू करवाया कई वार्डों में। और कई वार्डों में पानी के टैंकर उनको मजबूरी में भेजाने पड़े, उनकी इच्छा नहीं थी 1 महीने से कई टैंकर भेजे, लेकिन हमने कहा अगर 2 घंटे में वार्डों में पानी नहीं आया तो हम फिर कल से और नया रूप लेंगे। सर क्या स्थिति यहाँ हो गई कि हर छोटी से छोटी सी बात के लिए अब सड़कों पर आने पड़ेगा या आंदोलन करना पड़ेगा? आपका आंदोलन तो पिछले 95 दिन से चल रहा है, कल हनुमान बेनीवाल भी आ रहे हैं। जब बाढ़ ही खेत खा जाए तो किसान क्या करेगा या मालिक क्या करेगा? बल्होत्रा की ये स्थिति हो रखी है। जन प्रतिनिधियों ने मानस बना लिया है कि जनता को कुशल कुशल कर जनता को तरीके से अलग अलग तरीके से कैसे मारा जाए और जनता को कैसे लूटा जाए। तो इन लोगों ने जब जन प्रतिनिधियों ने ये मानस बना रखा है तो जनता की कौन छोड़ेगा? जब राजा ही रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर प्रजा का हाल तो बेहाल ही होगा ना। ये स्थिति हमारे बल्होत्रा की हो रखी है और ये स्थिति को हम सुधारने के लिए या दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जन आवाम को जरूरत पड़ती है हम सड़कों पे उनके लिए खड़े रहते हैं। और मैं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब भी हमारे बल्होत्रा और बाड़मेर में जरूरत पड़ी तो सबसे आगे अग्रिम पंक्ति में हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा रहा। धान सिंह जी, आप ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हो जिसे कई राजनीतिक दल या राजनेता कहते हैं कि ये जातिवादी पार्टी है, क्या मानते हैं? अब मैं एक बात बताऊं आपको, मैं राजपुरोहित का बेटा हूं तो फिर जातिवादी कैसे हो गई? मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मेघवाल समाज से आते हैं, हमारे इंदिरा बावरी बावरी समाज से आती है जो विधायक है वर्तमान में। इन्होंने कितने बावरियों को विधायक बनाया बता दो ना, खाली वोट ही लेती है कांग्रेस SC ST के नाम पर, कितनों को बनाया। और जगह जगह पे कई जगह पे राजपूत भाई हमारे साथ जुड़े हुए, कल देखना कि हजारों की संख्या में 37 कौम के लोग आएंगे। हमारी पार्टी का जो गठन हुआ है वो किसान मजदूर गरीब शोषित दलित पीड़ित को हक दिलाने के लिए हमारे पार्टी का उदय हुआ है और राजस्थान में आम जन के लिए लड़ने के लिए जन्म हुआ है, ना कि इनकी तरह जातिवाद करने के लिए। जब भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हमारे में जातिवाद नहीं है तो आपने OBC मोर्चा क्यों बनाया भाई? आपने SC मोर्चा क्यों बनाया? आपने ST मोर्चा क्यों बनाया? कांग्रेस तरह तरह के मोर्चे क्यों बनाती है? आपने ही जातिवाद की नींव रखी। हम लोगों ने तो ये कहा कि जातिवाद खत्म होना चाहिए और हर आम नागरिक को अपने हक के लिए लड़ने का अधिकार है। कल का आंदोलन की क्या रूपरेखा है और कल कितनी तैयारियां जोरों पर चल रही है? हर गांव गली मोहल्ले ढाणी से लोग आएंगे और बल्होत्रा की धरती पर कल एक इतिहास लिखा जाएगा। प्रथम इतिहास तो हमने लिख लिया, बल्होत्रा की धरती पे सबसे लंबा अगर किसी ने धरना चलाया तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने चलाया। आज 94 डेज हो गए और कई लोग तो इस आंदोलन की गिनती भी भूल गए, अब ये कितने दिन हो गए। तो सबसे लंबा धरना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने चलाया और आमरण अनशन करके भी हमारे कार्यकर्ताओं ने बता दिया कि अगर आम आवाम को जरूरत पड़ी तो हम किसी हद तक जा सकते हैं, हमारी जान भी दे सकते हैं। तो हम पीछे हटने वाले नहीं है, लड़ने के लिए हमारा जन्म हुआ है और हमारे लोगों को हक दिलाकर ही रहेंगे। निश्चित तौर पर थान सिंह जी ने काफी कड़े शब्दों में दोनों ही पार्टियों के नेताओं को एक आईना दिखाया है। तो अनिल जी, उमेश जी,